विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश में पिछले करीब 5 माह से स्कूल पूरी तरह से बंद है। ऐसे में विद्यार्थी का भविष्य खराब न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया, जहां स्कूली बच्चों को घर घर जाकर शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं बैतूल जिले के चिचोली में जरूरतमंद विद्यार्थियों को रेडियो सेट बांटे जा रहे हैं। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में कोरोना काल के समय में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु निरंतर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि मोबाइल और रेडियो सेट नहीं होने के कारण कुछ बच्चे अभी भी मूलभूत शिक्षा से वंचित है। अब ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षक स्वयं अपने पैसों से रेडियो सेट खरीद कर विद्यार्थियों के बीच बांट रहे हैं। वहीं शिक्षक भी कभी झोपड़ी में तो कभी चौपाल पर बच्चों को विभिन्न तरह से शिक्षा देने में जुटे हैं, ताकि उनका भविष्य खराब ना हो। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? दुर्गावती 15। तो बेटा आप यहाँ पे क्या सुन रहे हैं, क्या समझ में आया आपको, क्या बता रहे हैं मास्टर? रेडियो शासन के द्वारा रेडियो में हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, रेडियो में पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, तो ऐसा सभी गांव के है पूरे? यस। उद्देश्य को लेकर के संकट काल में जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण शासन की मंशा ये है कि घर घर जा करके और बच्चों को शिक्षा दे। इस चलते कार्यक्रम के तहत जो है हम लोग रेडियो से इन बच्चों को जो है मतलब उनके टाइम टेबल के अनुसार जो भी शिक्षा मतलब शिक्षण कार्य से अवगत कराते हैं और उनको हम सिखाते हैं और रेडियो सुनवाते हैं और लेखन कार्य देते हैं। उसके बाद में लेखन कार्य की जांच वाच करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि प्रत्येक बच्चा जो है सुन रहा है रेडियो कि नहीं सुन रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, और इसके बाद में लेखन कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब हम देखते रहते हैं। सर, शासन के निर्देशानुसार हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत मोहल्ला क्लास के अंतर्गत इस ग्राम पंचायत जामली माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला के बच्चे इस छोटे टोले में जो गांव से काफ़ी दूर है, ना ही यहां पे बिजली है, ना ही यहां रेडियो है, ना ही यहां मोबाइल है, ना ही यहां कोई साधन है, तो इन बच्चों को हम अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आज हमने यहां मोहल्ला क्लास लगाई है। आप स्वयं देख सकते हो कि सर इनकी स्थिति क्या है, इन बच्चों की स्थिति, इनके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे और कर ही रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार जो हमें निर्देश मिले हैं हमारा घर हमारे विद्यालय के तहत। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।